तीसरी रानी और सब योद्धा भारत में मर गए होगी बहुम रानी। आज मेरे पास कोई भी योद्धा बाकी लड़ने के लिए नहीं है, मैं अकेला जान बचा करके आया हूं। समय हनुमती मेरे पास थोड़ा है, इसलिए कृपा करके मुझे ये बताए कि कल के भारत में मेरी जान कैसे बचे। ये सुनते ही भानुमती जैसे पूरा वक्ता बता रहे थे, भानुमती बोली महाराज जंदड़ तुम समझाओ मेरी एक बात नहीं मानी। और आज उन पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण के सामने से बचाने वाला आपको कोई भी नहीं है, फिर भी आपकी रक्षा करते हैं, बचने की कोई विधि बता सकते हैं तो तेरे पिताजी हर बार तेरा समर्थन किया, तेरी बात को आगे बढ़ाया, आप उन्हीं के पास जाओ और कोई ना कोई विधि बूझने की, बचने की विधि पूछो। समय रात की दुर्योधन महल से नीचे उतरता है, अपने पिता धृतराष्ट्र के पास में जाता है, नाम लेकर के प्रणाम करता है कि तेरे पुत्र युवराज दुर्योधन हस्तिनापुर महाराज को प्रणाम कर रहा है। आओ युवराज दुर्योधन, कहो इस समय कुलक्षेत्र मैदान का क्या समाचार है। ये पूछने के ऊपर दुर्योधन हाथ जोड़ता है, वो अपने पिता श्री राजा धृतराष्ट्र को एक कुलक्षेत्र मैदान का समाचार देता है। भक्तों तो कैसे दे रहा था, किस प्रकार से अंधभूप अपने बेटा के मुंह से कुलक्षेत्र मैदान का समाचार। कुलक्षेत्र में पड़ी वही जी अनगिनती की लाश, ये तेरो बेटो दूरियो तन बाजो छे मन से तो ये के छे बाके रसो मारे का बाजो लड़तो जान गमादि करण बड़ो बल ये मेरो भाई दूर शासन भी मेरे को दूर सला तो बांधती हो चाके पांडु पीछे वेगा आथा में यथी यादे ये तेरा बेटा बड़ा
पर मात भवानी कृपा कर तेरी भरी नैया पारे ये सारा तो मिल कर करो चे काट दीनी देवा के जाके अहिर सुमाए कबाजो रादार कागर जाकर के दुर्योधन।